कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर सुनील नरेन ने इतिहास रच दिया है। नरेन आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले पहले विदेशी स्पिनर बन गए हैं। मुंबई के वांखड़े स्टेडियम में गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। सुनील नरेन अपने तीसरे ओवर में ललित यादव का विकेट लेकर 150 के आंकड़े तक पहुँच गए। आईपीएल इतिहास में सुनील नरेन 150 विकेट लेने वाले कुल मिलाकर 9वें और तीसरे विदेशी गेंदबाज हैं। विदेशी खिलाड़ियों में नरेन से पहले ड्वेन ब्रावो और लसित मलिंगा ही एक मुकाम हासिल कर पाए थे। इसके साथ ही नरेन आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले ओवरऑल 6ठे स्पिनर भी हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं ड्वेन ब्रावो, 159 मैच में 181 विकेट उन्होंने लिए हैं। वहीं लसित मलिंगा की बात की जाए तो उन्होंने 122 मैच में 170 विकेट लिए हैं। अमित मिश्रा की बात की जाए तो 154 मैच में उन्होंने 167 विकेट लिए हैं। वहीं युजवेंद्र चहल की बात की जाए तो 122 मैच में 157 विकेट उन्होंने लिए हैं। पीयूष चामला की बात की जाए तो 165 मैच में 157 विकेट उन्होंने लिए हैं। वहीं आर अश्विन की बात की जाए तो 175 मैच में 152 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। आपको बता दें कि साल 2020 में नरेन के संदिग्ध बॉलिंग एक्शन शिकायत की गई थी। तब उस मुश्किल घड़ी में केकेआर नरेन के साथ खड़ी दिखाई पड़ी थी। गेंदबाजी एक्शन में बदलाव के बावजूद नरेन की गेंदबाजी में भी अब भी धार कायम है। नरेन मौजूदा आईपीएल सीजन में अब तक 9 मुकाबलों में 7 विकेट चटका चुके हैं। इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट 5.31 रहा है, जो T20 क्रिकेट के लिहाज से काफी शानदार है। सुनील नरेन साल 2012 में पहली बार कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़े थे, तब से वो लगातार इस टीम के साथ हैं। नरेन ने अब तक केकेआर के लिए 143 आईपीएल मुकाबलों में 24.66 के औसत और 6.65 के इकोनॉमी रेट से 150 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 19 रन देकर 5 विकेट रहा है। नरेन ने आईपीएल में बल्ले से भी उपयोगी योगदान देते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अब तक 981 रन बनाए हैं। आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी से पहले सुनील नरेन को केकेआर ने 6 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुनील नरेन क्या ऐसा ही प्रदर्शन आगे भी करते नजर आते हैं या फिर वो रुक जाते हैं। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।